Hello everyone. इंटरलॉ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर के पेपर में जो थर्टी मार्क के एमसी क्यू थे पंद्रह क्वेश्चन थे जिसका जवाब था उसके एक क्वेश्चन है डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट को लेकर उसको लेके थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सी है तो मैं वो पूरा मैंने जो भी आंसर दिया वीडियो बनाया उसको मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छी तरह से डिटेल में ठीक है पूरा प्रूफ के साथ मैं मतलब एक्सप्लेन करूंगा और कहाँ से वो आंसर मैं बता रहा हूँ वो भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा इसको लेके सारी कन्फ्यूजन कॉन्ट्रोवर्सी दूर हो जाएगी ओके okay? एकदम पूरा आई विल शो यू फाइव डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स फाइव डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स टू इलस्ट्रेट ठीक है स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता देता हूँ मेरा पर्पस यहाँ पर किसी भी टीचर को बिलिटिल करना नहीं है सारे टीचर्स रेस्पेक्टेड हैं मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज स्टूडेंट्स मेरे बताए हुए आंसर पर अगर क्वेश्चन रेज करेंगे कि सर ये आंसर आप ला रहे हो कैसे ला रहे हो क्यों समझाओ तो वो समझाना मेरा ड्यूटी भी है मेरा हक भी है तो मैं वही समझा रहा हूँ ठीक है पूरा अच्छे से समझाऊंगा एकदम गौर से सुन लेना मैं ज्यादा टाइम इधर इधर वेस्ट ही करूँगा एल शो यू फाइव डॉक्यूमेंट्स ये डिपॉजिट्स पे एक लंबा सा केस सिनेरियो आया था कंपनी ने फर्स्ट मे 2021 को डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था और तीन साल के लिए डिपॉजिट था सो इट वॉज सपोज टू रन टिल तीस अप्रैल अब क्या हुआ कि एक डिपॉजिटर है मिस्टर वाई जिसको अर्जेंट पैसा चाहिए एजुकेशन के लिए ठीक है इसके बेटे की पढ़ाई है एजुकेशन अब्रॉड उसके लिए इसको पैसा चाहिए तो ये डिपॉजिट को पहले तोड़वाना चाहता है फर्स्ट जून दो 2022 तक तो फर्स्ट मे 2021 से लेके फर्स्ट जून 2022 13 बाईस होते हैं तो क्वेश्चन सबका यहीं पे आके अटका है कि भाई इसको 13 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा कि 12 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा कि 11 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा ये बात मैं एक बात बता देता हूँ इसको लेके जो थ्योरी है एक बार आपके सामने में रख देता हूँ

मतलब ओरिजिनल कानून में रूल्स के अंदर लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन है ठीक है और ये इंस्टीट्यूट किताब में भी है उस एक्सप्लेनेशन को समझाने के लिए मैंने ये चार्ट बनाया है एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल वेयर द पीरियड फॉर विच द डिपॉजिट हैड रन कंटेन्स एनी पार्ट ऑफ अ ईयर देन इट शैल

Uh, ये रहा आईसीआई बोर्ड ऑफ स्टडीज का वेबसाइट एमसीक्यू एंड केस सिनेरियो बुकलेट ये ओल्ड सिलेबस का है यह आज भी आपको आज, आप गूगल में जाकर टाइप करो आईसीआई एमसीक्यू बुकलेट तो ये आ जाता है पर ये न्यू सिलेबस का नहीं है बाई द वे ये ओल्ड सिलेबस का है मैं पहले बता रहा हूं ठीक है अब इस बुकलेट में ये आप देख रहे हो पेपर टू कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस जो पहले नाम था वही है ठीक है इसको आप क्लिक करोगे तो यहां लिखा हुआ आएगा

एक गलत आंसर हो गया था इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर जो अपने बुकलेट में लिखा वो लिखा ऑप्शन नंबर डी कि ब्याज जो है फर्स्ट अप्रैल से इकतीस मई तक मिलेगा चौदह महीने का मतलब यहां पर क्या हुआ था ये देख लो ये इसमें ये इंटरनेट की फाइल इसमें मार्क नहीं कर पाऊंगा मैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया फर्स्ट अप्रैल को 24 महीने के लिए तो थर्टी 31 मार्च तक जाएगा अब देख लो 19-20 की कहानी है मतलब ये आज की ताजा बुकलेट नहीं है ये पुरानी बुकलेट है 19-20 में आया था ये ठीक है तो 2019 में डिपॉजिट एक्सेप्ट किया 9 परसेंट ब्याज का रेट है एक डिपॉजिटर है जो जाके तोड़वाना चाहता है ठीक है फर्स्ट जून को तो फर्स्ट अप्रैल 2019 से फर्स्ट जून 2020 14 चौदह महीने होते हैं और ब्याज का रेट अभी ऑप्शन तो तो हाँ थे थर्टी फर्स्ट में ठीक है अब हुआ क्या आईसीआई से गलती हो गई उन्होंने इसका गलत आंसर चुन लिया उनके हिसाब से आंसर लिख दिया ऑप्शन नंबर डी यानी चौदह महीने का ये भी मैं दिखा देता हूं इसी बुकलेट के अंदर आपको दिखा रहा हूँ आगे के पेजेस में आएगा आंसर 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 ये ये देखो ये चालू हो इस में वही क्वेश्चन नंबर का क्या लिख दिया इंस्टीट्यूट ने ये देखो इंस्टीट्यूट ने गलती से आंसर लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल टू थर्टी फर्स्ट में चौदह महीने आठ परसेंट तो ऑप्शन डी बोल दिया इंस्टीट्यूट ने अब ये गलत आंसर है क्योंकि अभी अभी हमने ओरिजिनल लॉ पढ़ा लॉ क्या बोलता है ओरिजिनल आप देखो लॉ बोलता है कि अगर वो डिपॉजिट का पीरियड एक साल से ज्यादा हो रहा है और वो जो एक्स्ट्रा पोर्शन ईयर के बाद अगर वो लेस देन सिक्स मंथ एक्सक्लूड कर दो तो तो कायदे से सर चौदह महीना नहीं बारह महीना आंसर होना चाहिए था तो इंस्टीट्यूट ने उसका आंसर गलत कर दिया फिर आप देखो इंस्टीट्यूट ने क्या किया कोरिजेंडम इशू कर दिया आई टू यू ये इंस्टीट्यूट का कॉरिजेंडम ये मेरा नहीं है तुम जाके देख सकते हो ये रहा आईसीआई का साइट यू जस्ट गूगल आईसीआई एमसीक्यू बुकलेट ही आएगा पेपर टू क्लिक करना क्लिक करोगे तो ऐसा खुलेगा एमसीक्यू बुकलेट एंड कॉरिजेंडम कॉरिजेंडम पे क्लिक करोगे तो सर ये कॉलिजेंडम खुलेगा क्या लिखा है एमसीक्यू नंबर थर्टी सिक्स पेज नंबर फोर्टीन इग्नोर एमसीक्यू थर्टी सिक्स मतलब किसी स्टूडेंट ने या किसी ने भी इंस्टीट्यूट के नॉलेज में ये बात लाई होगी कि देखिए ये एमसीक्यू आपका गलत है तो इसको ठीक कीजिए तो इंस्टीट्यूट ने कॉरिजेंडम इशू कर दिया अब होता क्या है एमसीक्यू बुकलेट तो पॉपुलर हो जाती है पर इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल वगैरह में आंसर्स में कभी भी गलती होती है तो इंस्टीट्यूट उसके लिए कॉरिजेंडम निकालता है बाद में अब वो हम लोगों को पता नहीं चलता बहुत सारे लोगों को तो उसमें ठीक है कोई बात नहीं पता नहीं चलता गलती सबसे होती है ठीक है कॉरिजेंडम में साफ तौर पर इंस्टीट्यूट ने बोल दिया यार ये एमसीक्यू गलत है इसको काट दो मतलब आप उसको आंसर नहीं मान सकते वो जो आंसर इन्होंने यहाँ पे जारी कर दिया कहाँ गया वो थर्टी सिक्स नंबर पेज नंबर चौदह पे था पूरा पेज नंबर है इंस्टीट्यूट का बनाया हुआ ना ये रहा ये देख सकते हो ये ये रहा एम सी क्यू में पेज नंबर चौदह क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स ड्रीम वर्ल्ड बोला इंस्टीट्यूट ने थर्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन को आप इग्नोर कर दो मतलब ये क्वेश्चन का जो इंस्टीट्यूट ने आंसर डी लिख दिया ना गलती से एम सी क्यू बुकलेट में वो इतना पॉपुलर हो गया कि सब ने चौदह महीने चौदह महीने लेने चालू कर दिए कुछ लोगों ने बोला नहीं बारह महीने होने चाहिए मैंने भी क्लास में बोला ये गलत है मैं क्लास में बोला हूँ उसको ये गलत है चौदह महीने नहीं बारह महीने होगा ठीक है और पढ़ाया भी हूँ ऐसा कई बार होता है कि इंस्टीट्यूट के एम किताब में गलती होती है वो कॉलेजेंडम इशू करता है लोगों को पता नहीं चलता अब मैं तुमको अपनी बुक दिखा रहा हूँ बाकायदा ये देखो ये मेरी बुक है मेरे जितने स्टूडेंट्स बुक खोल के वेरीफाई कर सकते हैं न्यू सिलेबस में यही बुक मैं दे रहा हूँ अभी तो उसमें देखो यहाँ पे मिलेगा तुमको ये एमसीक्यू यही डाला हुआ ड्रीम वर्ल्ड एंटरटेनमेंट ये मेरे क्वेश्चन बैंक में भी है ये देखो मेरा क्वेश्चन बैंक अगर खोलोगे दिस इज माय बुक माय क्वेश्चन बैंक तो यहां पे जाओ ड्रीम वर्ल्ड का क्वेश्चन मिलेगा ये रहा ये रहा ड्रीम वर्ल्ड का क्वेश्चन पूरा ये चार ऑप्शन है ऑप्शन नंबर मैंने बोल भी दिया इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा सी होगा आपको टिल थर्टी मार्च लेना है डी नहीं लेना है सी आंसर है और मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है जाके प्रूफ है वेरीफाई कर लो मैं एमसीक्यू के पूरे आंसर भी एक्सप्लेन करता हूं क्लास में लिख के कि देख लो भाई ये ये कारण है इस वजह से आंसर होगा सी वो ड्रीम वर्ल्ड वाला क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट ने डाला उसका आंसर गलत था इसलिए उन्होंने उसको काट भी दिया बाद में इंस्टीट्यूट ने खुद कॉलेजेंडर मिशो ने काट दिया तो ये बात आप समझ लो कि यहां पर आपको जो इंटरप्रिटेशन लगाना लगा लो इसके आंसर में ग्यारह महीने तो नहीं हो सकता या, मतलब सॉरी तेरह महीने तो नहीं हो सकता ठीक है फाइनेंशियल ईयर बोलो चाहे जो भी बोलो अगर इन्होंने इसी क्वेश्चन में ना ऑप्शन दिया होता बारह महीने वाला तो फिर भी एक कॉन्ट्रोवर्सी होती कि चलो बारह महीने लो बिकॉज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिपॉजिट एक्सेप्ट फर्स्ट मे को हो रहा है फर्स्ट अप्रैल को नहीं हो रहा ये देख रहे हो डिपॉजिट फर्स्ट मे को हो रहा है तो ईयर का फाइनेंशियल ईयर लेना है कि टोटल बारह महीने लेना है वो जो उसमें आप बहस कर लो वो बहस तो तब होती जब ऑप्शन में बारह महीने हो ऑप्शन में सिर्फ यहां तेरह महीना है और ग्यारह महीना है बारह महीना तो है नहीं बारह महीना होता तो हाँ हम लोग बहस करते कि सर बारह होगा कि ग्यारह होगा पर तेरह महीने में तो कोई बहस की बात ही नहीं है तो एक फ्रैक्शन ऑफ द ईयर है जो वन या टू मंथ एक्स्ट्रा है वो तो आंसर होगा ही नहीं वो तो एक्सक्लूड करना है तो तेरह महीना तो आंसर होना ही नहीं है हाँ अगर यहाँ ऑप्शन में लोग बारह महीने डाल देते ना ठीक है कि 11 महीने और 12 महीने तब वहां पे हम लोग बहस कर लेते कि सर आंसर 11 होगा कि 12 होगा और स्टूडेंट फंस जाता ठीक है पर 12 महीने आंसर नहीं है तो इन आइदर केस 13 मंथ्स तो आंसर नहीं होगा क्योंकि वो एक दो महीने एक्स्ट्रा ही है तो उसको तो एक्सक्लूड करेंगे आंसर निकलता है ग्यारह महीने ठीक है तो इसको लेके बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने मेरे से बार बार हैमरिंग किया पूछा इसीलिए मैं तुमको प्रूफ के साथ यहाँ दिखा रहा हूँ ये देख लो फिर से एक बार प्रूफ देख लो ये गूगल आई सी आई एम सी क्यू बुकलेट ये आएगा पेपर टू ओल्ड सिलेबस वाला है ये तुम देखो ना यार ये ओल्ड सिलेबस है पेपर सेवन एंटरप्राइज इन्फॉर्मेशन सिस्टम ये न्यू सिलेबस में नहीं ओल्ड सिलेबस का है ये उन्नीस बीस का क्वेश्चन है अभी ताज़ा नहीं है कोई इसको क्लिक करोगे बुकलेट आएगी है एम सी क्यू की कॉरिजेंडम आएगा बुकलेट में जाओगे पेज नंबर चौदह पर क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स ड्रीम वर्ल्ड है जहाँ और इसका आंसर इंस्टीट्यूट ने गलत दिया है ऑप्शन डी और कॉरीजेंडम जारी करके इंस्टीट्यूट ने बोल भी दिया कि जी इस एम सी क्यू को आप इग्नोर कर दें तो इसको आप बेस पकड़ के आंसर नहीं बोल सकते कि आंसर तेरह महीने होगा ठीक है आंसर होना चाहिए इलेवन मंथ्स ओके तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आई एम ऑलवेज ओपन टू एनी काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन स्टूडेंट अगर इंटरप्रेट करता है हो सकता है अगर कहीं कोई चीज़ में मेरी गलती है तो मैं अपनी गलती मानूंगा और सुधारूंगा इसमें तो कोई गलत बात है ही नहीं ठीक है गलतियां तो हम सब कर सकते हैं उसमें कोई गलत बात नहीं है लेकिन जहां एक्सप्लेनेशन एकदम क्लियर दिख रहा है साफ सुथरा कि ये है सही सब कुछ तो वहां पर तो डिबेट की कोई बात बनती ही नहीं है वहां तो एकदम क्लियर दिख रहा है मैंने तुमको बताया ना कि जो भी स्टूडेंट्स इसका आंसर सोच रहे हैं कि तेरह महीना होगा वो या तो किसी टीचर से सुने अच्छी बात है रिस्पेक्टेड या फिर उनका जो ओरिजिनल सोर्स है वो वो एमसी का बुकलेट है इंस्टीट्यूट का कि सर देखो एमसी के बुकलेट में ऐसा दिया हमने कहीं से देखा पर एमसी के बुकलेट के बाद कोरिजेंडम आया वो उन्हें पता नहीं है कि उस क्वेश्चन को इंस्टीट्यूट ने डिलीट कर दिया गलत कर दिया आज से कुछ दो तीन हफ्ते पहले की बात है मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे को ईमेल भी किया था मैंने टेलीग्राम में भी शेयर किया स्टूडेंट बोला था सर आपने एक एमसीक्यू पढ़ाया था क्लास में और आपने बोला था कि इंस्टीट्यूट की किताब में गलत आंसर है सही ऑप्शन कुछ और है और उस स्टूडेंट ने आई में ई करके भी उनसे कन्फर्मेशन मांगा और उन्होंने भी अपनी गलती मान ली कि हाँ इसका आंसर ये नहीं ये होगा और स्टूडेंट बड़ा खुश हुआ था और उसने मेरे साथ मेल भी शेयर किया कि सर आपने जो पढ़ाया सही पढ़ाया मैंने वो टेलीग्राम पर भी डाला था स्टूडेंट को देखो मैं खुद बोल रहा हूँ गलती किससे भी हो सकती है टीचर गलती कर सकते हैं इंस्टीट्यूट में भी तो कोई इंसान ही तो है ना जो एम बना रहा है या क्वेश्चन पेपर बना रहा है या आंसर बना रहा है उससे भी गलती हो सकती है जल, गलती जिसकी भी हो बेस्ट अप्रोच क्या होता है एडमिट द मिस्टेक अपोलोजाइज एंड मूव ऑन तो यहां पर तो मैं क्लियर तुमको सबूत के साथ पूरा दिखा दिया कि इसका आंसर तेरह महीने नहीं ग्यारह महीने होगा ठीक है आई होप इट सेटिसफाइज योर क्वेरी थैंक यू